आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उमरिया जिले के स्थानीय सगरा मंदिर से जन जागरण यात्रा निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होकर जन जागरण यात्रा गांधी चौक पहुंची, जहां सभी नागरिकों ने जन जागरण यात्रा के दौरान पुष्प वर्षा करते हुए भव्य स्वागत किया गया एवं प्रभु श्री राम सीता जी की आरती वंदन किया गया। साथ ही स्थानीय गांधी चौक पर श्री राम भक्तों के द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त किया एवं इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्री राम भक्त मौजूद रहे। वहीं भक्तगणों ने बताया कि आगामी 22 तारीख को अयोध्या धाम में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। वर्षों का संघर्ष पूरा हुआ है एवं आज से आगामी 22 तारीख तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे एवं भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूरे देशवासियों को सभी लोगों ने शुभकामनाएं दी है। पेशे उमरिया से संघर्ष की खास रिपोर्ट। जय जय श्री राम। आज हमारे इस भारत के लिए बहुत ही पुण्य समय जो आज एकत्रित हुआ है। मैं ऐसे महापुरुषों को साधुवाद देना चाहती हूँ कि हमारे रामचंद्र जी को एक स्थान मिलने जा रहा है। अभी तक वो एक पेड़ के नीचे, तंबू के नीचे उनकी मूर्तियाँ स्थापित थी, आज उन्हें स्थान मिलने जा रहा, इसका उल्लास पूरे भारत देश में देखने को मिल रहा है। और मैं हर उस भारत के नौजवान, बच्चे, बूढ़े सबको सत सत नमन करती हूँ, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के लिए राम ही हमारे पूर्वज है, राम ही हमारे भगवान है और राम ही इस कायनात के मालिक है मेरे दृष्टि से। इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। आज इस भीड़ को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि हिंदुस्तान में हिंदू जागा हुआ है और अब की बार सिर्फ राम, जय राम। कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा आयोजित किया जा रहा है। भगवान परमात्मा भगवान राम जो है 500 साल बाद आज अयोध्या में उनकी प्राण प्रतिष्ठा मंदिर के अंतर्गत होने जा रही है। उसी की अगुवाई में आरएसएस एवं गायत्री परिवार, भगवती मानव कल्याण एवं समस्त भारतीय संस्थान एवं गांव के जनप्रतिनिधि तथा महिलाएं जो है इसमें भाग ले रही है। यह कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है, बहुत प्रशंसनीय है, बहुत प्रशंसा गायत्री परिवार है। को मालूम है कि हिंदुस्तान के अंदर आगामी 22 तारीख को हिंदुस्तान एक नया इतिहास रचने जा रहा है। 500 वर्षों का संघर्ष उन सनातनी भाइयों का और उन शहीद परिवारों का जो त्याग है, उसकी सफलता आगामी 22 तारीख को आपको इस हिंदुस्तान के अंदर देखने मिलेगी, जब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा इस भारत भूमि में एक बार फिर 500 वर्षों के लंबी लड़ाई के बाद स्थापित होने जाएंगे। भगवान उसी कड़ी में जो अद्भुत उत्साह है आपको इस पूरे भारतवर्ष के अंदर देखने मिल रहा है, उसी क्रम में उमरिया जिला भी हमारा कहीं किसी से पीछे नहीं है और यहाँ भी उन श्रद्धालुओं ने आज जो आप देख रहे हैं ये भी भारी संख्या में लोग इकट्ठा हैं। आज हमारी एक राम रथ यात्रा जो स्थानीय सागरेश्वर धाम से स्टार्ट होगी और इस सागरेश्वर धाम से हम भगवान का आशीर्वाद लेकर अपनी इस उत्साह भरे वातावरण में आने वाले समय में हम गांधी चौक पहुंचेंगे और गांधी चौक में एक विशाल आम सभा के माध्यम से, एक विशाल रैली के माध्यम से हम अपना उत्साह व्यक्त करने के लिए आज उमरिया नगर के एक 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 हिंदू परिवार आज इस कार्यक्रम में एकत्रित हुआ है और हम आने वाले समय में इस हिंदुस्तान में एक नया इतिहास आज स्वर्णिम युग की शुरुआत होने वाली है जो 22 तारीख से। आज सागरेश्वर मंदिर के राम मंदिर से हमारे उमरिया शहर की जन जागरण यात्रा प्रारंभ हो रही है। इसके बाद ये यात्रा मुख्य मार्ग से गांधी चौराहे तक पहुंचेगी और गांधी चौराहे में पहुंचने के बाद हम अयोध्या की उस पूरी झांकी का वर्णन, जो आज के इतिहास से लेकर आज तक जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्या घटनाक्रम हुआ है, उसके विषय में जानकारी देंगे और उसके बाद हम आज से इस कार्यक्रम का प्रारंभ कर लगातार 22 तारीख तक, जब तक रामलला की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती, अनवरत इस उमरिया जिले में कार्यक्रम चलते रहेंगे। हम प्रत्येक गांव तक इस कार्यक्रम को किए हैं और वह अलौकिक दृश्य 22 तारीख को हमारे सबके सामने होगा जब भगवान रामलला और भगवान श्री राम जी का अयोध्या में अग्नाधिवास, देवाधिवास, पुष्पाधिवास, मधुधिवासी आदि आदि का कार्यक्रम किया गया और हमने भी समस्त अपने नगर पे भी
भगवान श्री राम जी के आज प्रतिष्ठा पर्व का उत्सव हम लोगों ने भी श्री सागेश्वर नाथ जी की मंदिर में भारी जुलूस से निकल करके और अपने भाग्य को सौभाग्य में समझते हुए और यहाँ भी आकर के हमने प्रतिष्ठा पर्व का उत्सव मनाया गया। मरियानगर में विशाल भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है जिसमें पूरा